चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि किस तरह से आप ये अब ये रमजान चल रहे हैं तो रमज़ान में किस तरह से आप रमज़ान का कैलेंडर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से आदमियों को नहीं पता कि कैलेंडर किस तरह से देखना है। क्योंकि आपको टाइम तो अपने हिसाब से पता होता है, लेकिन फिर भी एक वक्त मुकम्मल नहीं मालूम होता कि हाँ भाई इस वक्त पर हमारा इफ्तार का वक्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और सहरी का वक्त हो रहा है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा इफ्तार का वक्त और सहरी का वक्त, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरे चैनल पर जाना है। तो यहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जाने के बाद चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन का बटन है, इसको जरूर दबा लेना है। और कोई भी एक वीडियो को ओपन करना, इस जो मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर इसको लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद में यहाँ पर एक कमेंट कर देना है, हेलो दोस्तों, एक लाइक करना है। उसके बाद में नीचे कमेंट कर देना है कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है? इतना ज़रूर कर लेना है। उसके बाद में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आपको इसमें इस वेबसाइट में जाना है और वहाँ पर पता करना है कि कौन सा रमज़ान का वक्त किस टाइम है, कैसे सहरी है, क्या क्या है, सब बता दूँगा, ठीक है? तो मैंने एक लिंक डाउनलोड करके रखा है, मैं इसको आपको ये लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही जैसे आपको ब्राउज़र मांगेगा वाला ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सहरी का वक्त, इसका दोनों वक्त आ रहा है। तो आपकी जो भी सिटी है आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ अपनी सिटी। तो जैसे मेरी सिटी है मेरठ, ठीक है? यहाँ पर मेरठ सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर मेरठ उत्तर प्रदेश कर लिया मैंने, ठीक है? यहाँ पर इंडिया के सभी मिलेगी, पाकिस्तान, पंजाब, मलेशिया, हर देश का मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया इंडिया के लिए है, सिर्फ उसमें ऐसे नहीं है। तो उसके बाद में करने के आपको देख सकते हैं यहाँ पर 7 तारीख का पहला रमजान था यहाँ पर जो, और 4:06 पर सहरी थी। अफ्तार का टाइम 6:59 पर था, ठीक है? उसके बाद 8 तारीख, 9 तारीख और आज का वक्त है 7 बजे, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पर पूरे रमज़ान का टोटल वक्त दिया गया है कि आप किस तरह से इसमें कितने टाइम में सहरी है, किस टाइम में आपका रमज़ान हो रहा है, अफ्तार का टाइम हो रहा है, ठीक है? उसके बाद एक और बात बता दूँ कि आप इसमें रोज़ रोज़ तो वेबसाइट में नहीं आ सकते। तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का एक क्लिक का निशान है। डाउनलोड पर क्लिक पर निशान कर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा जस्ट वेट कीजिए, अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड होगा, ओपन हो चुका, ओपन होगा। अगर आपको किसी को यहाँ शेयर करना है तो शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद ये एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर अपना सोशल मीडिया पर किसी भी जगह पर इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इलाहाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़, कराची, टोटल जितने भी शहर हैं इंडिया के अंदर के वे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप इसमें सर्च कर सकते हैं यानी कि अदर कंट्री, यानी कि जैसे कि अपना इंडिया से बाहर का, जैसे पाकिस्तान लिखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है? ये में चलो सर्च कर लेते हैं ये, और थोड़ा थोड़ा जगह के ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह दिखा रहा है कि किस टाइम में क्या है, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको मिल जाता है। और इसी तरह से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में इसको अपने पेज में रख लेना। चलिए मैं दिखा दूँ डाउनलोड होने के बाद में ये कहाँ पर आएगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर जाना सिंपल आपको डाउनलोड पर। तो आपने डाउनलोड चेक कर लेना किधर में। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपने देख सकते हैं मेरठ सिटी रमजान कैलेंडर लिखा होगा, PFD फाइल, ये आपको खुलेगा PFD फाइल में, ठीक है? अगर आपको इसमें PFD फाइल में खुल रहा है लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने के लिए, फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके खुल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सब दिखा रहा है, टोटल सही तरीके से दिखा रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही बिल्कुल भी, देख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको मुश्किल हो रहा है इसमें PFD फाइल में बार बार आने के लिए, तो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। चलिए मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। और सिंपली हम जाते हैं अब अपने इसमें गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद मैं स्क्रीनशॉट पे, इसमें बार बार आने की ज़रूरत नहीं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है, ठीक है? तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रमज़ान के तरीके, रमज़ान के दिनों में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि नए आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी अच्छी आपको मिलती रहेगी।